देवल से शादी में अब तक आपने देखा, इश्की राजवीर के लिए खाना बनाती है और पूरी फैमिली उसकी हेल्प करती है। राजवीर इश्की को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ देता है और रात को लेट घर आता है। राजवीर और इश्की का झगड़ा हो जाता है और फिर राजवीर इश्की को मनाता है। अब आगे मिशा, इश्की, मेहर और रूही चारों बैठे हुए थे। राजवीर सबसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से ही भाई को ऐसे ही देखा, कभी किसी से बात नहीं करते, हमेशा सबसे दूर ही रहते हैं। जब से मैंने देखा है कभी भाई ने हमसे बात नहीं की। छोटे थे तो हमेशा हमारे मन में रहता था कि भाई के पास जाएं, उनसे बात करें, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ही समझ में आ गया कि भाई सबसे दूर रहना चाहते हैं। हमने कभी भी इसका रीजन नहीं पूछा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को अपनी फैमिली से ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा सोचती थी वो लोग कितने लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती है। छोड़ो भी ये टॉपिक, और इश्की अब तो तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। भाई को फैमिली में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है, तो तुम अब ये सब बात छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा एक्ट करूं। अच्छा, घर से कौन कौन आ रहा है प्ले में? सभी आएंगे? मैं राजवीर से भी कहूंगी प्ले में आने के लिए, थोड़ा आकर सीखेंगे फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। एक बार भाई से डांट खाकर चैन नहीं पड़ा तुझे, जो फिर से डांट खाने की तैयारी कर रही है? शट अप मिशा, मैं उन्हें कहूंगी कि मेरा प्ले देखने आए, मेरे लिए तो आ ही सकते हैं। अगर वो यहाँ आ भी गए ना तो परसों की हेडलाइन हो जाएगी। और ये तू शायद भूल रही है, अभी तुम्हारा रिलेशनशिप हिडन है। यार तू चुप कर, मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात ना किया कर। अच्छा तुम तीनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। क्लब में चारों एंजॉय कर रहे थे तभी मेहर की नजर दरवाजे की तरफ गई। इश्की वो देख, भाई आ रहे हैं। लगता है भाई किसी मीटिंग के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, अभी छुप जाओ, भाई को निकलने दो यहाँ से। सभी छिप गए और राजवीर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। क्यों, वो भी तो यहाँ आए हुए हैं, वो जिस भी कारण से आए हों हमें उससे क्या, लेकिन हम क्यों जाएं? फिर सभी इंजॉय करने लगे। करीब एक घंटे बाद राजवीर के साथ जितने भी लोग आए थे वो सभी वहां से निकल गए। भाई के साथ जितने भी लोग थे सभी चले गए हैं, यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट भी। फिर भाई अकेले क्या कर रहे हैं? कुछ काम होगा या फिर कोई और भी बात हो? कुछ देर वेट करते हैं। सभी को वेट करते करते करीब एक घंटे से ज्यादा हो गया, पर राजवीर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ, ये बोल इश्की गुस्से में तमतमाते हुए राजवीर के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। इश्की ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दरवाजा खुलने की आवाज से राजवीर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो उसे इश्की नजर आई। तुम ये क्या कर रही हो और ढूंढ क्या रही हो तुम? मैं यहाँ कैसे आई ये छोड़िए, और मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं आपकी बला की खूबसूरत परियों में से कोई एक खूबसूरत परी ढूंढ रही हूँ जो यहाँ आपके साथ थी। तुम ये क्या बोले जा रही हो, कौन सिखा रहा है तुम्हें अनाप शनाप बातें? ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उसे आपने कहाँ छुपाया है? मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो, कोई इस रूम से बाहर नहीं गया है, जो भी होगा रूम में ही होगा, अगर तुम्हें मिल सकता है तो ढूंढ लो उसे। इश्की पूरे रूम में ढूंढने लगी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। लगता है वो परी अपने पर फैला कर उड़ गई। राजवीर और इश्की दोनों रूम से निकल कर घर जाने लगे। रूही और मेहर वो दोनों भी घर के लिए निकल गए, लेकिन मिशा को उसका एक फ्रेंड मिल गया इसलिए वो कुछ देर उसके साथ रुक गई। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, क्या है इसमें, खुद खोल कर देख लो। इश्की ने जब बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही प्यारी सी डायमंड रिंग थी। वाओ कितनी प्यारी है ये, तुमसे ज्यादा नहीं, अब लाओ मैं पहना देता हूँ। फिर राजवीर ने इश्की को वो रिंग पहना दी। मैं जाकर मिशा को दिखाती हूँ, ये बोलकर इश्की मिशा के रूम में चली गई, लेकिन वहाँ मिशा नहीं थी। मिशा कहाँ है, रूही दी से पूछती हूँ, ये बोल इश्की रूही के रूम में चली गई जहाँ पर मेहर भी था। दी मिशा कहाँ है? मिशा को उसके स्कूल का फ्रेंड मिल गया था तो उसी के साथ कुछ देर के लिए रुक गई। अच्छा, डेविल से शादी के आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉकेट एफएम का ये यूट्यूब चैनल।